अब के बार हमारे हाथ पर अगर शबखून मारा गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि हम अपना हक लेकर रहेंगे और सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर होगी। हमें अभी जराए खबर दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की वो फतह जो बिल्कुल दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह रोशन और वाजे है उसको बदलने के लिए आरोज के ऊपर दबाव दिया जा रहा है जो कि किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और तकरीबन 6:15 हो रहे हैं, ठीक है। आप 9 बजे वीडियो देख रहे होंगे, 9 बजे वीडियो अपलोड होगी। अभी मैं YouTube देख रहा था तकरीबन 5:15 के करीब और उस पर एक वीडियो मुझे नजर आई, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि जनाब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने मार्का मार लिया, कराची एन ने 249 का इलेक्शन जीत लिया। और जब मैंने देखा उस वीडियो की टाइमिंग ये थी कि शाम 7:45 पर यह वीडियो अपलोड की गई थी, यानी 11 घंटे पहले की वीडियो है। अब मजे की बात, ये जो टाइम है 7:45 का, ये वो टाइम है जब गिनती का अभी आगाज हुआ था, शायद 2 या 4 पोलिंग स्टेशन के, या ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा लगा लें आप, हद कर दे, इंतहा का झूठ बोल ले तो 45 या 50 पोलिंग स्टेशन के नतज उस वक्त मीडिया पर या ट्विटर पर कहीं आप पर नजर आए होंगे। लेकिन उस भाई साहब ने, उस यूट्यूब चैनल वाले ने, माशाल्लाह से, जो कि मजहबी चैनल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तहरीके लब्बैक को ही दिखाते, तहरीके लब्बैक के लोग ही उसको सपोर्ट करते, वो भाई साहब ने 2-4 मिनट की वीडियो में उन्होंने कह दिया कि तहरीके लब्बैक जीत चुकी है और अभी गिनती का सिर्फ आगाज हुआ था। ठीक है, आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, पैसे बनाने के लिए करते हैं, सब लोग करते हैं, इज्जत बनाने के लिए भी करते हैं, नाम बनाने के लिए भी करते हैं और यही सबका मकसद होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनका मुझे पता है कि वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते, इश्तेहारात वो नहीं लेते। अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको कभी इश्तेहार नजर नहीं आएगा, हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको इश्तेहारात नजर आएंगे जिससे हम पैसे कमाते हैं। लेकिन कम से कम खुदा रहा आपका तरीका तो ठीक होना चाहिए, मतलब चैनल का नाम भी कुछ इस तरह से हो और मजहबी टच दिया और उसके बाद आप झूठ बोले, लोगों को झूठ दिखाए, गुमराह करें उनको। ऐसे लोगों को इंग्लिश में फेक न्यूज पेडलर्स कहते हैं, यानी कि झूठी खबरें फैलाने वाले, ये वो लोग हैं। और झूठे पर अल्लाह की लानत, ये अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान में वाजे कर दिया है। इसके अलावा एक और चैनल मैंने देखा, उन्होंने कहा कि तहरीके लब्बैक का जश्न, और ये वीडियो थी 10:15 रात 10:15 जब शायद 100 पोलिंग स्टेशन के नतज आए थे और उसके कुछ देर बाद नतज रोक दिए गए थे, उस पर भी बात करूंगा, पहले भी बात कर चुका हूं। तो उस भाई साहब की जब मैंने वीडियो खोली तो वो एक पोलिंग स्टेशन था जहां पर तहरीके लब्बैक के 73 वोट थे और उस पोलिंग स्टेशन पर तहरीके लब्बैक जीत गया था, बाकी पोलिंग स्टेशन के नतज नहीं थे। यानी कि, और वो भी अपने आप को बड़ा सीनियर तरीन साफी समझता है, पता नहीं क्या समझता है, और तहरीके लब्बैक की ही सपोर्टिंग करते हैं, तहरीके लब्बैक की ही वीडियोस बनाते हैं और तहरीके लब्बैक वाले ही उसके फॉलोवर्स हैं और बाकी मजहबी तबका भी उनको फॉलो करता है और चैनल का नाम भी मजहबी है। तो मजहब के नाम पर झूठ बोलकर पैसे कमाना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। मैं नहीं कहता कि शर्म की बात है, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इनको झूठ फैलाने वाले कहते हैं, इंग्लिश में दोबारा कहता हूँ, फेक न्यूज पेडलर्स कहते हैं। ये पाकिस्तान में पहले एक्सपोज नहीं होते थे लेकिन अब एक्सपोज होते, जिस तरह मैं पहले हकीकत टीवी को एक्सपोज करता रहा। फिर हम बात करते हैं ट्विटर माफिया की। 11:15 पर ट्विटर पर ट्रेंड शुरू हुआ कि जनाब तहरीके लब्बैक के जो उम्मीदवार है, एक मस्जिद इमाम ने एक बिजनेसमैन को, यानी कि मिफ्ता इस्माइल को हरा दिया और ये ट्रेंड जनाब शुरू हो गया। इस ट्रेंड ने इतना जोर पकड़ा, इतना जोर पकड़ा कि हजारों की तादाद में तो ट्वीट्स हुए ही, लेकिन उसके बाद तहरीके लब्बैक के जो मजलिस शूरा के अलामा शफीक अमीनी साहब है वो, और पीर जहीरुल हसन शाह, अलामा फारूकुल हसन शाह, इन तीन साहिबान ने, इन्होंने बकायदा जीत की अनाउंसमेंट कर दी, जीत का ऐलान कर दिया। मतलब अभी फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, ना ही गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सामने आए हैं और सबने ऐलान कर दिया कि जनाब फॉर्म 45 के मुताबिक हम लोग जीत चुके हैं। और किसी ने इतना नहीं किया कि जनाब आप हमें फॉर्म 45 भी दिखा दे, किसी ने फॉर्म 45 किसी को नहीं दिखाया और सब ने एक एक वीडियो 45-30 सेकंड की, 40 सेकंड की वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इसके अलावा सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दी, मेरे तक भी मौसूल हुई। और मैं देखकर हैरान हुआ कि 11-12 बजे का वक्त है, शायद मैंने 12:30 बजे वीडियो देखी होंगी, अभी तो नतायज के अंदर काफी मसले मसाइल आ रहे हैं, लाइट चली गई थी और बहुत सारे मामला आ गए थे, बिलावल हाउस के अंदर गिनतियां शुरू हो गई थी।
तो उसके बाद इन्होंने कैसे अपने जीत की अनाउंसमेंट का ऐलान कर दिया, और इसके अलावा एक एहतजाज की तरफ भी शायद इशारा दिया गया। मैं आपको बयान सुनवा दूंगा पीर ज़हीरुल हसन शाह का, वीडियो के बिल्कुल आखिर में आप सुन सकेंगे, बल्कि तीनों साहिबान का बयान आप सुन लेंगे। और फिर अगर आपको वो चैनल्स नजर आए जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, और अगर आप उनको फॉलो करते तो जरूर करें और करें, सपोर्ट करें उनकी। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है ना जिसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो हरकतें अभी की जा रही है ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर, अपने जीत के ऐलानात करके, फिर इसके अलावा इस तरह की वीडियोस बनाकर, ये हरकतें 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने की थी, और उसके बाद वो इलेक्शन जीते और कैसे जीते और उसके बाद उनके क्या हालात बने कि आज कराची में तो जिस तरह से वो मतलब के पहले से ही हार मान गए। ये शुक्र है, मुझे अच्छी लगी बात तहरीक इंसाफ के अंदर कि शाम 8-9 बजे के टाइम इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, अब हम अपनी हार मान चुके हैं। ये जबरदस्त बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ कराची के अंदर बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है, बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कराची वालों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, बहुत सारी वजूहात है। वहां के अपने तहरीक इंसाफ के कुछ ग्रुप्स बने हुए, वजीर आजम की तवज्जो नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ, कराची की तरफ बिलखसूस, कराची को पता नहीं क्या समझ रखा है, तो ये वजह है। उसके अलावा हमने गुजरावाला में देखा, वजीराबाद में देखा, NA-75 डस्का में देखा, नौशहरा PK-63 में देखा, तो इन तीन चार जगहों पर बावजूद इसके के वफाक में इनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, पंजाब में हुकूमत और सिंध के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी बन चुके हैं कराची के अंदर, उसके बावजूद इनको एक बहुत बड़ा झटका मिला है। और ये सीट वो है जो तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में अच्छे खासे वोटों से 35,000 वोट लेकर जीत गए थे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जो जीता, इस पर तो मुस्लिम लीग नून का भी एतराज है इस वक्त, और बाकी कुछ जमातों का भी एतराज है, और उनका एतराज बजा है। 10 बजे तक हम देखते हैं कि नून लीग आगे थी, मिफ्ताह इस्माइल साहब अच्छे खासे लीड कर रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे, फिर लाइट चलेगी और लाइट के बाद फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि आरोज जो है वो फॉर्म 45 लेकर पहुंच ही नहीं रहे, फिर ये खबरें आई कि आरोज जनाब फोन नहीं उठा रहे, फिर ये खबरें आई कि आरोज पीपल्स पार्टी से होते हुए जा रहे अपने फॉर्म जमा करवाने रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो काफी सारी इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई, तो इलेक्शन शायद चैलेंज करें मुस्लिम लीग नून कानूनी तौर पर। मुस्लिम लीग नून का अपना बयान तो आ चुका है, सुबह मजीद ये लोग वाजे कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दोबारा कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन में जाते हैं या एहतजाज करते हैं, क्योंकि एहतजाज का तो रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें नून लीग कभी भी एहतजाज के लिए राजी नहीं होगी। बिलखसूस मरियम नवाज ने कराची का जो दौरा था इलेक्शन से चंद दिन पहले, ये 29 अप्रैल से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने वहां पर एक जलसा करना था, लेकिन वो भी बाद में खत्म कर दिया गया क्योंकि हालात ठीक नहीं है। देखते हैं कि तहरीक लबैक जो इस इलेक्शन के अंदर कल अदम जमात होते हुए हिस्सा लिया, और फिर वो जो ट्रेंड्स चलाए गए सोशल मीडिया पर मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या तहरीक लबैक एहतजाज की तरफ जाती है या फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे या नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या अकेले इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, देखते हैं इस पर तहरीक लबैक क्या रिस्पॉन्स देती है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि तहरीक लबैक यही दावा करते रहे कि सर जनाब हमारे साथ धांधली हुए, हम जीते हुए थे, हमारे नतीजे बदल दिए गए हैं, कानूनी कार्रवाई जो है इनकी आज तक मुझे नजर नहीं आई, और अगर आती है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे किन पॉइंट्स की बुनियाद पर ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तहरीक को अजीम कामयाबी मिली है, अब मुख्तलिफ तरीकों से आरोस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और माहौल को खराब किया जा रहा है और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमारे वोटों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। तो हम खबरदार करना चाहते हैं जिम्मेदारों को कि इस सूरत और इस मरतबा तहरीक किसी भी लम्हे अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना ज्यादा इन्होंने दबाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने अपने फजल से जमात को पहले से ज्यादा इज्जत और बरतरी अता फरमाई है। तो हमें अभी जराए खबर दे रहे हैं कि तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह की वो फतह जो बिल्कुल दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह रोशन और वाजे है, उसको बदलने के लिए आरोज के ऊपर दबाव दिया जा रहा है जो कि किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान हल्का NA-249 से 45 फार्म के मुताबिक जीत चुकी है और फैसला हमारे हक में आने वाला है। अब के बार हमारे हक पर अगर शबखून मारा गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि हम अपना हक लेकर रहेंगे और सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर होगी।